एक दफा का जिक्र है कि एक किसान के चार बेटे थे। बदकिस्मती से वो चारों बेटे बहुत झगड़ालू थे। किसान इनमें इत्तफाक व इत्तेहाद दिखाना चाहता था, लेकिन वो नहीं समझते थे। इसी परेशानी और गम की वजह से आखिर किसान बहुत बीमार हो गया। तब इसके जहन में एक तरकीब आई। किसान ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और लकड़ियों का गट्ठा भी मंगवाया। जब वो लकड़ियों का गट्ठा ले आए तो किसान ने सब बेटों को बारी बारी वो गट्ठा तोड़ने के लिए कहा, लेकिन इनमें से कोई भी इस गट्ठे को तोड़ ना सका। फिर किसान के कहने पर इस गट्ठे को खोल दिया गया। अब किसान ने चारों बेटों को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए दी। सब ने बड़ी आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। इस पर किसान ने इन्हें समझाया कि अगर तुम भी लकड़ियों के गट्ठे की तरह मिलजुल कर रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और अगर तुम बिखर जाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। किसान के बेटों की समझ में अपने बाप की बात आ गई। उन्होंने अपने बूढ़े बाप से वादा किया कि वो चारों भाई हमेशा इत्तफाक व इत्तेहाद से रहेंगे। नतीजा, इत्तफाक में बरकत है।